कन्या राशि जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा, व्यापार की स्थितियां कैसी रहेंगी, पैसे की स्थितियां कैसी रहेंगी कन्या राशि वालों की जुलाई 2023 के महीने में, इस वीडियो के अंदर कम समय में बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो कन्या राशि वाले बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना और हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव आकर आपकी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण करता हूं, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। दशमस्थ सूर्य बुध के प्रभाव से किसी नवीन कार्य की शुरुआत हो सकती है 1 जुलाई से 7 जुलाई 2023 के बीच में। कन्या राशि वाले ध्यान रखें, कोई ना कोई नया काम आपका सिरे चढ़ सकता है पहले 7 दिन के अंदर ही। कुछ बिगड़े काम भी आपके बनेंगे जो काफ़ी दिन से बिगड़े हुए थे, जिनकी वजह से टेंशन में आप आए हुए थे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, राजनीतिक लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, जिनसे आप भविष्य में लाभ भी उठाएंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति के योग यहाँ नज़र आ रहे हैं। 6 और 7 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो क्रय विक्रय के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, किसी चीज़ को खरीदना या बेचना उससे लाभ हो सकता है। गाड़ी इत्यादि, मकान इत्यादि, जमीन इत्यादि की खरीद फरोख्त के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी समस्या सरकारी कार्यों में आपको देखने को मिलेगी, अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस है या फिर सरकारी कोई भी कार्य है उसके अंदर बाधा आ सकती है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच दशमस्थ सूर्य के प्रभाव से अपने पुरुषार्थ के बल पर धन कमाएंगे, चरित्र निखर करके आएगा। अगर आपके एंटी कोई बात मार्केट के अंदर स्प्रेड हो चुकी थी, समाज के अंदर स्प्रेड हो चुकी थी, वो चरित्र को लेकर भी हो सकती है या किसी भी तरह का वाद विवाद हो सकता है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आएगा 8 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के बीच में। पदोन्नति और मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, बचकर चलना पड़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो लेग पुलिंग आपकी हो सकती है। आपके जो साथ में कार्य करते हैं लोग, वे लोग कहीं ना कहीं टांग खींचने का काम आपके साथ कर सकते हैं। सिर दर्द और मानसिक तनाव 14 और 15 जुलाई दर्शा रही है। अगर लव लाइफ की बात करूं तो इस पूरे सप्ताह के अंदर रिलेशनशिप और घर के अंदर गृहस्थ जीवन, पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं। धन का थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, विदेशी कार्यों के अंदर विघ्न बाधाएँ 14-15 तारीख को आ सकती है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो 14 और 15 तारीख में वीज़ा इत्यादि में आपके दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी समस्या आपको नज़र आएगी। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, आप सावधानी बरतें, सावधानी से चलेंगे तो कोई भी काम हो नहीं कोई बिगाड़ पाएगा आपका। 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की बात करूं, 17 जुलाई 2023 से आपके जो राशि स्वामी बुध हैं सूर्य से युक्त होकर के, लाभ स्थान पर होने से धार्मिक कार्यों के अंदर आपकी अभिरुचि को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से जो संपर्क आपका हुआ था उनसे आपको व्यावसायिक लाभ होने की संभावनाएं इस तीसरे हफ्ते के अंदर बनती हुई नज़र आ रही हैं। व्यवसाय के लिए कुल मिलाकर ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्कल आपका बढ़ने वाला है, लोगों के साथ नए नए संपर्क आपके बढ़ने वाले हैं। साथियों, संतान से किसी विशेष कार्य में सफलता और भाग्य वृद्धि की आप डिमांड कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि जो विद्यार्थी वर्ग है वे अगर किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे थे उसके अंदर वे सफल होंगे। नंबर्स, मार्क्स आपके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे आएंगे। संतान से आपको खुशी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये सप्ताह
बहुत अच्छा रहेगा, परंतु अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो आपको परेशान कर सकती है, पेट में आपके खराबी रह सकती है। 22 व 23 जुलाई के दिन गुप्त चिंता कोई ना कोई आपको सता सकती है। और मुख्य बात, इस दौरान किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी आपने नहीं लेनी है। तीसरा जो हफ्ता है 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने का काम अगर आप करते हैं तो भविष्य में समस्या उठानी पड़ सकती है। 24 जुलाई से 31 जुलाई की बात करें तो राशि स्वामी बुध मंगल शुक्र युक्त होकर के द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दोबारा से आपके ऊपर खड़ी होंगी, जिनके ऊपर पैसा अधिक खर्च हो सकता है और बिना बात के खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। दूरस्थ यात्राएं संभव हैं, आखिरी हफ्ते के अंदर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। विदेशी कार्य जो आपके बिगड़ गए थे वे सुधरने की तरफ होंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आखिरी हफ्ता 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन पूरा महीना ही आपका बढ़िया चलना है, आँखों में कष्ट की संभावना रहेगी। सप्ताह के अंत की बात करें या महीने के अंत की बात करें तो गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि होने से विदेशी कार्यों में प्रगति होगी और आपका वीज़ा भी लग जाएगा, यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। साथियों, जुलाई के महीने को अच्छा बनाने के लिए या जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित आपके जीवन में आनी हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, संकट नाशन श्री गणेश जी का पूजन करें और संकट नाशन श्री गणेश स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए जरूरी होगा। गणेश जी की आराधना करनी होगी, गणेश अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रतिदिन कुमकुम व दूबड़ा आप अर्पण करें, काम बनते चले जाएंगे इस महीने में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और फेसबुक पर शाम को 6 बजे लाइव सेशन में अपनी कुंडली निशुल्क दिखवाएं। अगर आप फ़ोन पर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के फ़ोन कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नमस्कार।